जम्मू कश्मीर के उरी में रविवार को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 18 सैनिकों की शहादत से पूरा देश जहां आहत है, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में है। मंगलवार को पूरे दिन जहां देशभर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने और उनकी आत्मा शांति के लिए कैंडल मार्च और प्रार्थना सभाएं हुई, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। इसी कड़ी में उरी में आर्मी हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले पर ऑल इंडिया उलेमा मशायख बोर्ड ने बयान जारी कर दुख जताया है। बोर्ड के चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ कछोचवी ने कहा कि देश में आतंक अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद से खुलकर निपटा जाए। भारत सरकार से अपील करते हुए बोर्ड ने आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है और कहा कि तब ही देश के जवानों की शहादत का सही सम्मान होगा। ऐसे वक्त में देश के हर नागरिक को आतंक के खिलाफ सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। आर्मी कैंप पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, मैं उसे कंडेम करता हूं और मैं इस मामले में ये अपनी हुकूमत से कहना चाहूंगा कि इस मामले में आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ सख्त रवैये इख्तियार करें और सख्ती से इस मामले को निपटने की कोशिश करें। और अगर हमारी हुकूमत सख्ती से निपटती है तो सही मानों में हमारे जवानों की जो शहादत हुई है उनका ही सम्मान तभी मुमकिन है।